अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है इंशाल्लाह कि खैरियत से ही होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको डिफरेंट सा इस बारे में बताएंगे कि आप अपने लिए बिजनेस कार्ड किस तरह बना सकते हैं। बिजनेस कार्ड हो गया, स्कूल आईडी कार्ड हो गया, या डिफरेंट कोई आप सीवी वगैरह बनाना चाहते हो अपने लिए, बनाने के बाद आप उसको बेचना भी चाहते हो तो आप कहाँ पर बेचोगे, किस तरह के बेचोगे। तो बेचने के बाद तो बाग में सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि हम उसको बनाएंगे किस तरह के, विदाउट स्किल के। हमारे पास कोई स्किल नहीं है और इसको हम, हाँ ठीक है, अगर मोबाइल वगैरह के हम ऐप्स यूज़ भी करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन कहाँ से आएगा। ज़ाहिर बात हमें जो बड़ी परेशानी होती है वो डिज़ाइन की होती है, हमारे पास डिज़ाइन नहीं होता है खूबसूरत से डिज़ाइन के। हम डिज़ाइन खूबसूरत से बना के उसके बाद हम उसको बना के कोई भी हम बिजनेस कार्ड बना दें, या स्कूल आईडी कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, जो भी हम बनाना चाहे विदाउट स्किल के हम किस तरह बना सकते हैं इजीली। दूसरी बात ये कि जी हाँ, आपने उसको अगर बना भी दिया तो आप उसको बेचोगे किस तरह, कहाँ पे बेचोगे, किस तरह के बेचोगे, ये भी आज हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में इंशाल्लाह। कि आप कोई भी कार्ड हो जाए, बिजनेस का हो गया, स्कूल का हो गया, यहाँ तक कि आपकी सीवी हो गया, आप किसी भी शोबे के मुताबिक बनाना चाहते हो, अपने डॉक्टर के मुताबिक आप सीवी बनाना चाहिए, या डॉक्टर को कोई कार्ड वगैरह बनाना चाहते हो, किसी भी शोबे के मुताबिक आप बनाना चाहते हो, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा बने बनाए हुए टेम्पलेट्स। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने नाम को चेंज करना होगा, उसकी जगह में अपना नाम लिखना है, अपना कुछ लिखना है, इजीली आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपको बनाएंगे कि आप, उसके बाद आपको बताएंगे कि आप इसको बेचेंगे कहाँ, कितने के बेचा जाएगा, आजकल मार्केट में उसका रेट क्या है। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए